जय श्री राम। माता सरस्वती को नमस्कार। ये सरस्वती वंदन शतक, इसमें एक कविता हम पढ़ रहे हैं। ऋतु गोयल बसंत कवि का नाम है। ओ वाणी ओ वाणी ओ वाणी, तुझको मेरा प्रणाम, तुझको मेरा प्रणाम। दे दे मेरी दृष्टि को माँ इतना विस्तार, मैं अलोकित कर सकूं अंतर का अंधियार। दे मुझको माँ शारदे तू छंदों का ज्ञान, मैं कुछ ऐसा लिख सकूं बड़े राष्ट्र का मान। पर पीड़ा मुझको लगे मेरी अपनी पीर, माँ ऐसा मन दीजिए बहे नैन से नीर। मैं साधक तू साधना दे मुझको आशीष, तेरे आगे नित झुके माँ मेरा ये शीश। दुनिया के दरबार में बनके रहूं न दास, स्वाभिमान देना मुझे चाहे निकले सांस। सजा सकूं मैं सत्य से अपने सारे अर्थ, सजा सकूं मैं सत्य से अपने सारे अर्थ। वर दे दे माँ शारदे लेखनी न हो व्यर्थ। मुझको अब प्राणी लगे ईश्वर तेरा रूप, मुझको सब प्राणी लगे ईश्वर तेरा रूप। मेरा मन खुश हो उठे उनका देख स्वरूप। क्यों उगते हैं हादसे माँ अब मेरे देश, पात पात सब झर रहे लगता ये दरवेश। अब हादसे हादसे का क्या इन्होंने मतलब दिया है, दुर्घटनाएं, और दरवेश तो फकीर हैं, ठीक है। तो क्यों उगते हैं हादसे माँ अब मेरे देश, पात पात सब झर रहे लगता ये दरवेश। ज्ञानमयी ममतामयी खेना, खेना का मतलब है पार लगाना। ज्ञानमयी ममतामयी खेना मेरी नाव, छंद रस शब्द ज्ञान दे जागे मेरे भाव। जय श्री राम। दोबारा सुनाएंगे क्विकली, इतना तो बनता है। ये कवि ने कितना कृषि, कितना पढ़ना पड़ा, इतना भाषा के ऊपर पकड़ आने के लिए, ठीक है। ओ वाणी ओ वाणी ओ वाणी, तुझको मेरा प्रणाम, तुझको मेरा प्रणाम। दे दे मेरी दृष्टि को माँ इतना विस्तार, मैं अलोकित कर सकूं अंतर का अंधियार। दे मुझको माँ शारदे तू छंदों का ज्ञान, मैं कुछ ऐसा लिख सकूं बड़े राष्ट्र का मान। ये बेस्ट टू लाइन्स है। पर पीड़ा मुझको लगे मेरी अपनी पीर, माँ ऐसा मन दीजिए बहे नैन से नीर। मैं साधक तू साधना दे मुझको आशीष, तेरे आगे नित झुके माँ मेरा ये शीश। दुनिया के दरबार में बनके रहूं न दास, स्वाभिमान देना मुझे चाहे निकले सांस। दे ये दिस टू लाइन्स आर ऑल्सो वंडरफुल। दुनिया के दरबार में बनके रहूं ना दास, स्वाभिमान देना मुझे चाहे निकले सांस। ये बहुत भारी, इट इज अ वेरी डीप स्टेटमेंट। देर आर मेनी हिंदूज हु आर लिविंग विदाउट एनी स्वाभिमान एंड दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। दे आर सो मेंटली कॉलोनाइज्ड बिकॉज ऑफ द स्टूपिड एजुकेशन सिस्टम विच इज टीचिंग अस things which we don't need in life and which is not based on aptitude. And most Hindus have developed a love for the invaders culture, for the Western culture, mindlessly aping the West, wearing their kinds of clothes, eating their food, behaving like them, behaving like the Americans and more American than the American, fully colonized, mentally colonized. Which means there is a deep inferiority complex here.
we feel that everything foreign is superior because they have ruled over us. Now if you tell them this, they will say, no, that's not the case. I am free, I am independent, I do what I like. Okay. Do Americans eat our foods? Do they wear our dresses? Do the Westerners or the Middle Easterns or the Muslims or Christians of other nations, or even in our own nation, do they celebrate our festivals? Then why the hell are you celebrating? Okay, you are very liberal. Have you read their unholy books? I am allowed to say this much at least. I have read them. You will be shocked. But still, many Hindus are indulging in meaningless talk simply to get some cheap popularity. And I am not interested in cheap popularity. I am not bothered about what others think, because satyameva jayate. दुनिया के दरबार में बन के रहूं ना दास, स्वाभिमान देना मुझे चाहे निकले सांस. मेरा स्वाभिमान सत्य पे आधार है. अगर मुझे गलत लगता है कोई चीज, चाहे वो कोई भी हो, चाहे साक्षात भगवान भी मेरे सामने खड़े हो जाएं, मैं उनसे डिबेट शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं. सजे इन भगवद गीता अर्जुन आस्क्ड कृष्णा 65 क्वेश्चंस एंड ही ऑल्सो asked some very sarcastic questions also. ठीक है. तो ये सनातन धर्म है. सजा सकूं मैं सत्य से अपने सारे अर्थ, आहा, वर दे दे माँ शारदे लेखनी ना हो व्यर्थ. वर दे दे माँ शारदे, मेरी बात तो बोलनी ना हो व्यर्थ. मैं बोलता हूं, मैं अब तक कुछ खास नहीं लिखा, 5 टेक्स्ट बुक तो लिखा, वो टेक्स्ट बुक्स हैं. वर दे दे माँ शारदे बोलनी ना हो व्यर्थ. सजा सकूं मैं सत्य से अपने सारे अर्थ, आहा, ये तो मुझे रट मारना पड़ेगा. मुझको सब प्राणी लगे ईश्वर तेरा रूप, मेरा मन खुश हो उठे उनका देख स्वरूप. क्यों उगते हैं हाथ से माँ अब मेरे देश, पात पात सब झर रहे लगता ये दरवेश. ज्ञानमयी ममतामयी खेना खेना मेरी नाव, छंद रस शब्द ज्ञान दे जागे मेरे भाव. जय श्री राम. ये है सरस्वती माता अपने बच्चों को सरस्वती वंदन शतक सिखाइए. इसमें से चुन के जो लाइन्स के ऊपर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ उनको अलग लिखिए, सुनिए, पढ़ाइए, सिखाइए. कल्चर, अगर ये हिंदुइज्म चला गया ना, पूरा दुनिया बर्बाद हो जाएगा. हिंदुइज्म इज़ द लास्ट रेफ्यूज ऑफ मैनकाइंड. ठीक है. हिंदुइज्म, द बर्डन ऑफ एवरी हिंदू इज टू स्पिरिचुलाइज द वर्ल्ड. गर्व से कहो हम हिंदू हैं. जय श्री राम. देखो माँ कैसे हंस रही हैं, कितना सुंदर छवि है. माँ की कृपा आपके ऊपर रहेगा. बोलो जय श्री राम.